thank you thank you thank you a lots of thank you to my all lovely happy universe family and thank you so much for your precious love time and respect friends i heartily value a lot your time i heartily value a lot your lovely feelings that you have expressed yesterday on our yesterday's respected videos that we are just started on the spirituality i heartily value a lot each and everyone's comments thanks a lot so friends if you're new on our channel Firstly, we welcome you and I want to introduce myself. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. I wish I pray. God bless you because you are the wonderful person of our blessed universe. So friends today's topic is very much important so once again i want to make you sure that you have to be happy you have to keep smile in your face because you are born to be so much happy and happiness is your own nature your happiness is not dependent upon any person any materialistic thing you just born to be yourself first so, just love yourself and please give a beautiful, lovely, precious smile because I love you so much from the bottom of my spirit and heart. But, heart is not for everyone, but, spirit is always for all. But, we should not be uh, so much conclusionally bad for anyone, but, we can forgive with the lovely and beautiful heart. Uh, friends, today I am going to talk about the role of karma. इन स्पिरिचुअलिटी पार्ट अब बात करते हैं कि आपके कर्म कौन से कर्म भाई आप कहते हैं मेरे तो पिछले जन्मों के कर्म ऐसे थे क्या आपने अपने थॉट्स के कर्म चेक किए क्या आप किस थॉट पे कैसे वाइब्रेट करते हो कैसे सोचते हो कभी आपने उन कर्मों और अपनी उन क्रियाओं को कभी आपने महसूस किया कर्म इज एवरी थिंग बट गुड कर्म इज़ जस्ट गुड एक्शंस आप अपने थॉट्स को क्रिएट करके अच्छे एक्शंस लेते हो अपने लाइफ के लिए दूसरों के लिए और मिसाल बनते हो अपनी नज़र में सबसे पहले और औरों के लिए तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या है कर्म और कर्म का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर और स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड कर्म तो फ्रेंड्स सबसे पहले यही बात करना चाहते हैं वे रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सनस

बिलीव एंड फेथ तो चलिए बात करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन देनी आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है आपके थॉट्स की इंफॉर्मेशन जो कहाँ जाती है आपके माइंड में और आपको पता है कि आपके कर्म कहाँ से बनते हैं आप कहते हैं दुनिया तो बहुत अच्छी है अच्छों के साथ अच्छा होता है बुरों के साथ बुरा होता है अरे जिसकी नज़र का नज़रिया देखने का अच्छा है तो उसके लिए दुनिया बहुत अच्छी है और जिसका नज़रिया ही अलग है तो उसकी नज़र भी अलग हो जाएगी और देखने का नज़रिया भी अलग हो जाएगा तो फ्रेंड्स बताती हूँ आपको जो आपकी ये बिना हड्डी की जीव है ना इसमें कितनी पावर है ये उसकी जीभ में पावर है जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आगे है अगर आपको लगता है कि कोई बॉडीली पर्सन आपको कोई बदुआएँ दे रहा है कोई आपको गलत कह रहा है देन दे आर रॉन्ग क्योंकि दुआ हमेशा ही उसी पर्सन की लगती है जो बॉडी से या अपने माइंड से उससे भी बढ़कर अपनी स्पिरिट में इतना ज़्यादा परफेक्ट हो देन दे आर इक्वल ऑफ हंड्रेड्स पावरफुल सॉल तो बात करती हूँ कि अच्छे कर्मों का निर्माण कहाँ से और कैसे होता है एग्जाम्पल दूंगी आपको एक बच्चे से हमेशा ही मैं आपको कहती आई हूँ कि आप अपने बच्चों के Uh, परवरिश में कभी भी जब भी आप उनके रेयरिंग करते हो तो यू शुड नॉट से अ नेगेटिव वर्ड्स टू दम आप अपने बच्चे के लिए कभी भी उन फीलिंग्स के साथ ये वर्ड्स अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो आज से उन्हें ये कहना छोड़ दीजिए ये तो बहुत कमज़ोर है ये तो बहुत नालायक है आ, इसका पता नहीं क्या होना है और उससे भी बड़ी बात जब आप अपने लिए कहते हैं यार मैं कहाँ काबिल हूँ मुझसे कहाँ होना है मैं तो ऐसे ही हूँ मुझे तो सब दितकते हैं मेरे साथ तो बुरा ही होता है देन आप देखिए आप फाइव डेज़ नहीं आप ना ट्वेंटी फोर आवर्स ऐसे करके देखिए और देखिए आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है आगे बट यू हैव टू चेंज इट यू हैव टू फॉलो दैट टेक्निक दैट यू हैव टू से द पॉजिटिव वर्ड्स फॉर यू पॉजिटिव वर्ड विद बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ये उसे ही समझ आएगा जो स्पिरिट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अब अच्छे कर्म करने से क्या होगा जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का मतलब ये एक थोड़ी है कि आप किसी को दान कर रहे हो बहुत ज़्यादा अरे वो दान तो वो है जो आप बिना किसी को दिखाए कर रहे हो अरे प्यार तो वो है जो बिना किसी को दिखाए कर रहे हो आपकी डेडिकेशन तो वो है जिसका सिर्फ आपको और आपके क्रिएटर को पता है वही सच्चा दान वही सच्चा प्रेम है और जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया की हर अच्छी चीज़ आपके पीछे खुद पढ़ कर आती है और जिस चीज़ के लिए आप बने हैं वो आपके पास दौड़ कर आती है आपको उसके लिए ज़बरदस्ती एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते जो आपका है वो आपके पास आके रहेगा चाहे आपको कितनी भी इम्पॉसिबिलिटीज दिखती हैं क्योंकि यू आर बोर्न टू बी द सक्सेसफुल पर्सन ऑफ अवर ब्लेस्ड यूनिवर्स तो फ्रेंड्स अब बताती हूँ कि अच्छे कर्मों के कारण क्या हो गया वो कर्म जो आपने कैसा किया जब आपने कोई दान किया तो आपके इस हैंड को पता नहीं चला जब आपने किसी की हेल्प की तो आपने ढिंडोरा नहीं पीटा मैं समझ सकती हूँ कि सम टाइम किसी पर्सन की जो बोलने की भावना है वो दिखाने की नहीं होती तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आप जिसको भी मानते हो आप उनसे ग्रेस मांगिए उनसे अनुग्रह मांगिए कि भगवान जब भी मैं कोई दान करूँ तो मैं किसी को भी दिखावा ना कर सकूँ मेरे मुँह से अपनी बड़ियाई ना निकले मैं आपकी महिमा कर सकूँ आप जिसको भी मानते हैं बट यू शुड नॉट प्रेज़ यू यू शुड प्रेस फॉर योर क्रिएटर ऑलवेज बिकॉज हम सब उनके बनाए हैं हमें सब कुछ उन्होंने गिफ्ट दिया है और हमें ये चीज़ों का बिल्कुल भी राइट नहीं है कि हम अपने आप को प्रेस दें हम उन्हें क्या दे सकते हैं हम तो अपना आप उन्हें दे सकते हैं और अपनी फीलिंग्स उन्हें दे सकते हैं तो अच्छे कर्मों में क्या डालनी है अच्छी फीलिंग्स अच्छे थाट्स ताकि वो कहाँ जाए आपके बॉडी से माइंड में और देन इन्फॉर्मेशन बिलीव एंड फेथ और ये फेथ कब बनेगा जब सबकॉन्शियस माइंड में जाकर आपके स्पिरिट में चल जाएगा तो फ्रेंड्स अब बताती हूँ आपको अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी टंग अगर आपका आपकी जुबान से अपने लिए नेगेटिव ही निकलता रहेगा और आप अच्छे थॉट्स भी क्रिएट कर रहे हो लेकिन आपको दिख नहीं रहे क्योंकि कॉन्शियस माइंड है हमेशा वही रियलिटी देखता है जो आप देखना चाहते हो वो हो नहीं रहा लेकिन हर चीज़ें सब कॉन्शियसली ही चेंज होती हैं तो आपको अपने टंग से क्या कहना है अपने लिए आई एम द बेस्ट आई एम द सुपर ब्लेस्ड आई एम द स्पेशल पर्सन ऑफ माई फैमिली माई हैप्पी यूनिवर्स एंड यू जस्ट सी द मैजिक योर लाइफ कैन चेंज लाइक अ हैवन ऑन द अर्थ इट्स श्योरिटी जस्ट डू इट फॉर यू सो फ्रेंड्स अच्छे कर्म करिए लेकिन बिना किसी को हर्ट किए और अपनी लाइफ के लिए हमेशा अपनी चॉइसेस के लिए हमेशा स्पेसिफिक रहिए डू इट फॉर यू बिकॉज यू आर ओनली द वन पर्सन यू कैन डू द ग्रेटेस्ट फेवर फॉर यू सो डोंट डिपेंड अपॉन एनी वन यू आर द वंडरफुल पर्सन तो कल बात करेंगे एक और टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट तब तक आप अपने कर्मों और हम सब के कर्मों के लिए अपने मानने वाले से प्रार्थना में हमें याद रखिए ताकि हम उनका अनुग्रह पाकर यहाँ पे और भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकें तो अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए मिलते हैं कल आई लव यू बाय